हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज हमारा श्री सत्यनारायण भगवान जी का व्रत है। देखिए आज हम कथा सुनाने जा रहे हैं। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। श्री सत्यनारायण व्रत कथा पहला अध्याय। एक समय नैमिषारण्य तीर्थ में सोनादिक 88,000 ऋषियों ने श्री सूत जी से पूछा, हे प्रभु, इस कलयुग में वेद विद्या रहित मनुष्य को प्रभु भक्ति किस प्रकार मिलेगी तथा उनका उद्धार कैसे होगा? इसलिए हे मुनि, कोई ऐसा तप कहिए जिससे थोड़े समय में पुण्य प्राप्त होवे तथा मनवांछित फल मिले। वह कथा सुनने की हमारी इच्छा है। सर्वशास्त्र ज्ञात श्री सूत जी बोले, हे वैष्णव, मैं पूज्य आप सबने प्राणियों के हित की बात पूछी है। अब मैं इस श्रेष्ठ व्रत को आप लोगों था सो ध्यान से सुनो। एक समय योगीराज नारद जी दूसरों के हित की इच्छा से अनेक लोकों में घूमते रहे, मृत्यु लोक में आ पहुँचे। वह यहाँ अनेक योनियों में जन्मे हुए प्राणी सभी मनुष्य को अपने कर्मों द्वारा अनेकों दुखों से पीड़ित देखकर सोचा किस यातना के करने से निश्चय ही प्राणियों के दुख वश होकर तुमसे कहता हूँ, सत्यनारायण का यह व्रत अच्छी तरह विधि पूर्वक करके मनुष्य भगवान का स्मरण करते हुए मनुष्य समय व्यतीत करे। इस तरह व्रत करने पर मनुष्य की इच्छा निश्चय ही पूरी होती है। नारायण नारायण भजमन नारायण नारायण नारायण। दूसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, जिसने पहले समय में इस व्रत को किया है, नारायण 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 भजमन नारायण नारायण नारायण। तीसरा अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, हे श्रेष्ठ मुनियों, अब आगे की कथा कहता हूँ, सुनो। पहले समय में उल्कामुख नाम का एक वृद्ध बुद्धिमान राजा था। वह सत्यवक्ता और जितेंद्र तथा प्रतिदिन सेवा स्थानों पर जाता था तथा गरीबों को धन देकर उनके कष्ट दूर करता था। उसकी स्त्री कमल की समान मुख वाली और वस्त्र भूषण देकर तथा उनका जितना धन लिया था उसे दोगुना धन देकर आदर सहित विदा किया। दोनों वैश्य अपने घर को चले गए। श्रीमन नारायण 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 भजमन नारायण। चौथा अध्याय। सूत जी बोले, वैसे मैं मंगलाचार करके यात्रा आरंभ की और अपने नगर को चला। उनके थोड़ी दूर निकलने पर दांडी वैश्यधारी श्री सत्यनारायण ने उनसे पूछा, हे साधु, तेरे नाव में क्या है? अभिमान वाणी अध्याय। सूत जी बोले, हे ऋषियों, मैं और भी कथा कहता हूँ, सुनो। प्रजापाल में लीन दुंग ध्वज नाम का एक राजा था। उसने भी भगवान का प्रसाद त्याग कर बहुत दुख पाया। एक समय नारायण अब ये व्रत कथा हमारी समाप्त हो चुकी है। अब हम आरती करेंगे। ये देखिए फ्रेंड्स, अब हम बाबा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। ये हमने आटे का प्रसाद बनाया है। इसमें पंचमेवा, तुलसी और गुड़, चीनी सब मिक्स करके हमने ये बाबा जी के लिए प्रसाद बनाया है। पंजीरी बोलो, सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय। जय श्री सत्यनारायण स्वामी की जय। पंचामृत बनाई है बाबा जी के लिए।
इसमें हमने पंचमेवे, दूध, घी, शहद सभी चीज़ें मिक्स करके बनाई है। लक्ष्मी रमणा स्वामी जय लक्ष्मी रमणा सत्यनारायण स्वामी सत्यनारायण स्वामी जन पातक हरणा ओम जय लक्ष्मी रमणा रतन जड़ित सिंहासन अद्भुत छवि राजे स्वामी अद्भुत छवि राजे नारद करत निरंजन नारद करत निरंजन घंटा ध्वनि बाजे ओम जय लक्ष्मी रमणा प्रगट भये काली कर दिज को दर्श दियो स्वामी दिज को दर्श दियो बूढ़ो ब्राह्मण बन कर बूढ़ो ब्राह्मण बन कर कंचन महल दियो ओम जय लक्ष्मी रमणा दुर्बल भील कठारो इन पर कृपा करी स्वामी इन पर कृपा करी चंद्रचूड़ एक राजा जिनकी विपद हरी ओम जय लक्ष्मी रमणा वैश्य मनोरथ पायो स्वामी श्री जो कोई नर गावे स्वामी प्रेम सहित गावे कहत शिवानंद स्वामी कहत हरि हर स्वामी मन वांछित फल पावे ओम जय लक्ष्मी रमणा जय लक्ष्मी रमणा श्री सत्यनारायण स्वामी महाराज की जय।